नमस्कार दोस्तों, इंडियन फूड रेसिपी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे, जिसके लिए हमें चाहिए 3 कप आटा। एक गोभी को हमने बारीक काट कर इसे गर्म पानी में अच्छे से धो लिया है। फिर हमने इसे मिक्सर जार में बारीक पीस लिया है। आप चाहें तो इसे किसनी में किस भी सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च, 4 से 5 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं। अदरक के टुकड़े को हमने बारीक किस लिया है। 1 बड़ा चम्मच सौंफ। इन चारों का हम पेस्ट बना लेंगे मिक्सर जार में। फिर हमने अजवाइन ली है 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक और तेल। तो आइए शुरू करते हैं हम गोभी के पराठे बनाना। सबसे पहले हम ये हरी मिर्च और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेंगे मिक्सर जार में डालकर। मैंने बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। ये हमने 4 चम्मच तेल लिया है। हम तेल को गरम होने देंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अजवाइन, हल्दी पाउडर, ये पेस्ट डाल देंगे हम इसमें, अदरक लहसुन सौंफ और इसका इसे मिक्स कर देंगे। हम इसे 1 मिनट पकाएंगे। एक मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक पिसी हुई गोभी। हम इसमें ये लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट तक तेज आंच पर इसे चलाते हुए इसी तरीके से पका लेंगे हल्का सा। जब तक हमारे गोभी की स्टफिंग पक रही है, तब तक हम आटा लगा लेते हैं। हम आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसे मिक्स कर देते हैं। आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक ना ज्यादा नरम और ना ज्यादा कड़ा का आटा गूंदेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा आटा डाल के पूरा आटा अच्छे से गूंथ लेंगे। ये हमने आटा अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने रख देते हैं। अब हम हमारी स्टफिंग को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे कंटिन्यू 10 मिनट चलाते हुए पका लिया है और ये थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, इसे मिक्स कर देंगे और इसे हम अब ठंडा होने देते हैं। जैसे ही हमारी ये स्टफिंग ठंडी होगी, हम इसे पराठे बनाना शुरू करेंगे। हमने मिक्स कर दिया, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम। आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के ठीक कर लेंगे। ये देखिए, हमारा आटा ना बहुत ज्यादा कड़क है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये हमारा आटा भी
ठीक हो गया है। हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, तो अब हम पराठा बेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये आटा लेंगे, ये तो हम इसे इस तरीके से इसमें हम स्टफिंग डाल लेंगे। अब हम इसमें ये सूखा आटा लगा लेंगे। हम इसे इस तरीके से कर लेंगे ताकि ये जो स्टफिंग है ये पूरे आटे में अच्छे से फैल जाए। थोड़ा सा और सूखा आटा लेंगे हम इसमें और इसे बेल लेते हैं हम। इसे हम बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। ये देखिए हमने इसे बिल्कुल गोल बेल लिया है। अब हम गैस पे तवा गर्म होने रख दिया है हमने, अब हम इसे सेक लेते हैं। हमने तवा गर्म कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे ये पराठा। इसे हम हल्के से बबल्स आने तक इसे सिकने देंगे। हल्के से बबल्स आने लगे हैं, अब हम इसे पलट देंगे। इसे हम तेज आंच पे दूसरे साइड पे सिकने देते हैं, तब तक हम इस साइड पे हम तेल लगा देंगे। आप चाहे तो पराठा बटर या घी से भी सेक सकते हैं। हम इसे दूसरी साइड से भी हल्का सा सिक जाने देंगे। पलट के इस तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे। अब हम इसे हल्का हल्का दबाते हुए दोनों तरफ से हल्का सा लाल चित्ती आने तक इसे सेक लेंगे सारी तरफ से। ये देखिए बहुत ही अच्छी लाल चिट्टियाँ आ गई हैं। ये हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से लाल हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी के सारे पराठे भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। गोभी का पराठा सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।